हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर जो झारखंड सामान्य ज्ञान के अलावा आपको जेपीएससी पीटी पेपर 2 में भी पढ़नी है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में झारखंड का क्या योगदान है, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड चैप्टर आपको, ये चैप्टर आपको पढ़नी है। छात्रगण, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे, ये देखेंगे, ये समझेंगे कि जब पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, उस समय झारखंड में उसका क्या प्रभाव पड़ा या झारखंड का उसमें क्या योगदान रहा, चाहे वह भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हो अर्थात 1857 का सिपाही विद्रोह हो, या अंतिम 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। इस दौरान झारखंड में कौन कौन सी घटना घटी और उसका उस संग्राम से क्या रिलेशन रहा, उस विद्रोह का यहाँ प्रभाव क्या पड़ा, या स्वतंत्रता के आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा, इस सारी बातों को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। छात्रगण, इसी कड़ी में हम प्रारंभ करेंगे भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति अर्थात सिपाही विद्रोह अर्थात 1857 का सिपाही विद्रोह से, और देखेंगे कि जिसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत यहां से मानी जाती है, उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा। तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद का योगदान झारखंड के मूवमेंट में, झारखंड के आंदोलन को गति देने में क्या योगदान रहा। फिर हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ताना भगत अर्थात असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, उसके पश्चात हम देखेंगे नमक सत्याग्रह, फिर देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर देखेंगे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट्स भारत छोड़ो आंदोलन तक आएंगे, उससे आगे पहुंचेंगे और देखेंगे कि इस दौरान इन इन आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा। तो छात्रगण, आपका आज का चैप्टर का हेडिंग होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड का योगदान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड का योगदान। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप लिखना प्रारंभ करें, लिखिए पहला पॉइंट, पूरे भारतवर्ष में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी तो उसका प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता
झारखंड के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। नहीं भुलाया जा सकता। हेडिंग दीजिए, हेडिंग होगा 1857 की क्रांति एवं झारखंड का योगदान। 1857 की क्रांति और झारखंड का योगदान। छात्रगण, हम प्रारंभ कर रहे हैं 1857 क्रांति से और देखेंगे कि इस क्रांति के दौरान झारखंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ा या इसका उसमें क्या रोल अदा किया। तो आपका फिर पॉइंट्स को हेडिंग होगा 1857 की क्रांति और झारखंड का योगदान। देखिए इसका पहला पॉइंट, इसे सिपाही विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह तथा इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तथा इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है जिसके जिसके मुख्य कारणों में जिसके मुख्य कारण थे जिसके मुख्य कारण थे शासक वर्ग में असंतोष, शासक वर्ग में असंतोष कौन दीजिए, जागीरदारों में असंतोष, शासक वर्ग में असंतोष, जागीरदारों में असंतोष, जनजातियों में असंतोष, बिहार के विद्रोह का असर, बिहार के विद्रोह का असर 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 इत्यादि इत्यादि कारणों से इत्यादि कारणों से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ, यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, देश में 1857 की क्रांति, देश में 1857 की क्रांति अधिकांश भागों में फैलाव के दौरान झारखंड भी इस विद्रोह से प्रभावित हुआ,
इस विद्रोह से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत दस मई 1857 को, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यूपी के मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो छात्रगण, 1857 क्रांति की शुरुआत तो मानी जाती है यूपी से, यूपी के मेरठ से, परंतु इसका प्रभाव देश के अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी पड़ा। यह विद्रोह का जो कारण था छात्रगण, तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल, अर्थात सिपाही गोली चलाने के दौरान अपने मुंह से कारतूस को खींचते थे, उसके ऊपरी भाग को उखाड़ते थे। ऐसा माना गया या ऐसा एक फैलाव हुआ कि उस कारतूस में, जिसे मुंह से खींचकर खोली जाती है, उसमें चर्बी मिली हुई है, जिसके कारण वो विद्रोह तत्काल रूप से फैल गया। परंतु इसके पीछे असंतोष तो और भी थे अंग्रेजों के खिलाफ। वो अंग्रेज के खिलाफ असंतोष, जो यहाँ के राजा थे, उनका भी उनके खिलाफ असंतोष था। जागीरदार, किसान एवं अन्य कारण भी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि कारणों से ये विद्रोह फैला हुआ। यद्यपि तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस जरूर था, परंतु ये विद्रोह इतना फैला, इसके पीछे अन्य कारण भी थे। उसका प्रभाव हमारे झारखंड पर भी पड़ा। ओके छात्रगण, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। झारखंड में 12 जून 1857 को, इंडिया में है 10 मई, यहां है 12 जून, झारखंड में 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के रोहिणी नामक गांव में, अजय नदी के तट पर, नदी वहां बहती है, नदी का नाम है अजय नदी के तट पर पांचवी अनियमित देशी घुड़सवार सेना एवं थल सेना की 32वीं रेजिमेंट एवं थल सेना की 32वीं रेजिमेंट के तीन सैनिकों ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी।
की हत्या कर दी, हत्या कर दी, और यह हत्या और यह हत्या से और यह हत्या से झारखंड में, झारखंड में इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। विद्रोह की शुरुआत हो गई। छात्रगण, 12 जून 1857 को अनियमित देशी घुड़सवार सेना और 32वीं रेजिमेंट थल सेना के द्वारा, के तीन सैनिकों द्वारा अंग्रेज लेफ्टिनेंट नॉर्मन नेस्लिक की हत्या से इस विद्रोह की शुरुआत झारखंड में मानी जाती है। कहां से? तो 12 जून को अजय नदी के तट पर रोहनी गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ओके छात्रगण, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तीन सैनिक जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, तीन सैनिक जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की वे थे सलामत अली, अमानत अली, सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून थे। इन तीन, उसी में इन तीन सैनिकों ने रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के अधीन, इन तीन सैनिकों ने रोहिणी, रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड, मेजर मैकडोनाल्ड के अधीन, के अधीन थल सेना की 32वीं रेजिमेंट में विद्रोह किया था। थल सेना की 32वीं रेजिमेंट में विद्रोह किया था। यद्यपि, यद्यपि इन तीन सैनिकों ने, यद्यपि इन तीन सैनिकों ने मेजर, अपने मेजर, उनका मेजर थे इमाम खां, यद्यपि इन तीनों सैनिकों ने, यद्यपि इन तीन सैनिकों ने मेजर इमाम खां के आदेश पर, इमाम खां के आदेश पर नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी, यह हत्या की थी। जिसके कारण इन तीनों को खुलेआम आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। दे दी गई जिसके कारण झारखंड में चारों ओर यह आंदोलन, जिसके कारण झारखंड में यह आंदोलन चारों ओर आग की तरह फैल गया। फैल गया और विभिन्न जिलों में,
और विभिन्न जिलों में विद्रोह की आग देखने को मिलने लगी और विभिन्न जिलों में यह लिख सकते हैं और विभिन्न और झारखंड के विभिन्न जिलों में विद्रोह की आग देखने को मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, रामगढ़ बटालियन के देशभक्त जवानों ने रामगढ़ बटालियन के देशभक्त जवानों ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। जिसमें जय मंगल पांडे और नादिर अली जिसमें जय मंगल पांडे और नादिर अली अग्रणी भूमिका में थे। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का मुकाबला जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ हुआ था, जिसे चतरा का ऐतिहासिक युद्ध जिसे चतरा का ऐतिहासिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में दोनों सैनिक वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए। यद्यपि चार अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा के हर जीवन तालाब या फांसीहारी तालाब के किनारे आम के पेड़ पर इन दोनों क्रांतिकारियों को
तत्कालीन कमिश्नर सिंपसन, तत्कालीन कमिश्नर सिंपसन के आदेश पर, सिंपसन के आदेश पर फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रामगढ़ बटालियन के विद्रोह, के विद्रोह के कारण, के कारण, के कारण रामगढ़ बटालियन के संगठन में भी, रामगढ़ बटालियन के संगठन में भी, संगठन में परिवर्तन, परिवर्तन, रामगढ़ बटालियन के विद्रोह के कारण, इसे लिखिए, रामगढ़ बटालियन के विद्रोह के कारण संगठन में परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया, किया गया। अब इस बटालियन में सिखों और गोरखाओं को, अब इस बटालियन में सिखों और गोरखाओं को भर्ती किया जाने लगा। किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, पलामू में, पलामू में विद्रोह का नेतृत्व, पलामू में विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर, नीलांबर एवं पीतांबर ने किया। ने किया जिन्होंने सैनिक दस्तावेज, जिन्होंने सैनिक दस्तावेज का निर्माण कर, जिन्होंने सैनिक दस्तावेज का निर्माण कर विद्रोह किया, जिन्होंने सैनिक दस्तावेज का निर्माण कर ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उनके इस विद्रोह में चेर जनजाति का, और उनके इस विद्रोह में चेर या चेरो जनजाति का, और उनके इस विद्रोह में चेरो जनजाति का भी साथ मिला, चेरो जनजाति का भी साथ मिला। यह चेरों का साथ, यह चेरों का साथ भवानी बक्स राय, यह चेरों का साथ भवानी बक्स राय, भवानी बक्स राय, यह चेरों का साथ भवानी बक्स राय के नेतृत्व में, या चेरों का साथ भवानी बक्स राय के नेतृत्व में मिला, नेतृत्व में मिला। नेक्स्ट पॉइंट, नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में, नीलांबर और पीतांबर भाइयों ने, ऐसे लिख सकते हैं, इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला या छापामार, गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का
प्रयोग किया। विद्रोह किया या प्रयोग किया, गुरिल्ला या छापामार युद्ध का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह के दौरान इन दोनों को अंग्रेज अधिकारी डाल्टन द्वारा गिरफ्तार किया गया। और 18 मार्च 1859 को और 18 मार्च 1859 को पलामू के लेस्लीगंज में आम के वृक्ष पर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं दोनों भाइयों के नाम पर पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पलामू में विद्रोह के अंतिम क्षणों में भी पलामू के लोग शाहबाद से शस्त्रों के साथ सैन्य विद्रोह के दौरान या विद्रोह के अंतिम क्षणों में भी पलामू के लोग शाहबाद से सशस्त्र सैन्य सहायता पाने की चेष्टा करते रहे। तो छात्रगण, हम झारखंड का संग्राम में क्या रोल रहा, इस संदर्भ में अभी हम सिर्फ पहला पॉइंट ही चल रहे हैं कि भारत का प्रथम सैन्य विद्रोह, सिपाही विद्रोह और भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति 1857 जो फैला यूपी के मेरठ से, उसमें झारखंड भी अछूता नहीं रहा। और झारखंड में रामगढ़, रांची, पलामू, चतरा, संथाल परगना में कहां कहां किन लोगों ने विद्रोह किया, उसका क्या रोल रहा, इस सारी बातों को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। छात्रगण, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे कि इस रामगढ़ और पलामू के अलावा और विद्रोह में कहां कहां विद्रोह हुआ और किन किन का रोल रहा। ओके, थैंक यू।